spending money like I just got paid. $100 bills, tell them keep the change. दुनिया की one of the most expensive cities in the world, London के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। लंदन जाना जाता है अपनी रिच हिस्ट्री, लैंडमार्क्स, फैशन, पार्क्स, स्पोर्ट्स एंड अपने आइकॉनिक ट्रांसपोर्ट के लिए। And if you're wondering why I move the way I do, I just... What's up guys? अभी मैं हूँ इस समय लंदन आई में। दुबई, इस्तांबुल, लिवरपूल, मैनचेस्टर और ग्लासगो, एडिनबरा, ये सब दिखाने के बाद अब मैं आ चुका हूँ लंदन। सो ये मेरा पहला दिन है आज लंदन में और अब चलने वाले हैं हम लोग लंदन आई में। तो इसकी टिकट करीबन 3100 रुपये की है, जो कि अगर आप लंदन पास ले लें, जो कि 4 दिन का मैंने लिया है, 13000 रुपये का। उसमें सारे अट्रैक्शन जितने होते हैं वो सब कवर्ड होते हैं इसमें। सो अब चलने वाले हैं हम लोग इसमें और मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर से कितने अमेजिंग व्यूज़ हैं इसके। आपको पता है कि लंदन, ये जो व्हील है पूरा आप मेरे पीछे देख रहे हो, सो यहाँ मैं आ चुका हूँ और इसका जो ऑब्जर्वेशनल डेक है उस पर हम लोग जाने वाले हैं। ये लंदन का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक नहीं है, वो शार्ड है। सो वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में मैं आपको लंदन दिखाना शुरू करता हूँ। तो गाइस ये है लंदन ब्रिज, इसकी एक कैप्सूल है। सो मुझे लग रहा है एक जो राइड होती है करीबन वो 30 मिनट के आसपास की होती है। पूरे लंदन का व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है। If you feel it, just dance along, dance along, dance along, yeah. If you feel it, just dance along. Got to keep the feeling going on and on. If you feel it, just. सो गाइस इसकी जो हाइट है करीबन वो 135 मीटर के आसपास है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा व्हील है वो दुबई में है, आयन दुबई इसको बोलते हैं। तो उससे ये थोड़ा छोटा है, उसमें भी मैं दुबई वाले में भी गया हूँ मैं। सो ये उससे थोड़ा छोटा है, लेकिन तब भी काफ़ी, अब लंदन दुबई लंदन रहेगा, लंदन था लंदन रहेगा ही। ये काफ़ी मुझे क्लासी लग रहा है, इसके व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग है। जो लंदन आई था वो मैं शाम के टाइम गया था, लेकिन इसमें अभी आफ्टरनून है, करीबन 3 बज रहा है दोपहर का। पूरे जो व्हील है ये उसमें सबसे ऊपर इस समय हम लोग हैं और व्यूज बहुत ही अमेजिंग है। थोड़ा उस तरफ से देखते हैं। बिग बैन नीचे से बहुत ही बड़ा लग रहा था, लेकिन अब चूहे जैसा लग रहा है। उल्टा साला उल्टा क्यों जा रहा है। बॉलीवुड मूवी जैसे कि जितनी बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई हैं, नंबर मतलब इतने ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पे शूट हुई हैं, जैसे कि जो मुझे याद है वो है नमस्ते लंदन। सो नमस्ते लंदन जो मेरी फेवरेट मूवी है वो मैंने यहाँ पे देखी, वो मैंने देखी थी, उसमें ये पूरा लंदन उसमें दिखाया गया था। ये पीछे जो आप रिवर देख रहे हो, ये रिवर थेम्स है, इसको थेम्स बोलते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है, थेम्स करके थेम्स होता है, थेम्स इसको बोलते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं वहाँ पर था। Legend in the making. So guys, अब लंदन आई हो गया, अब मैं आपको अगला अट्रैक्शन दिखाता हूँ। अब मैं डिसाइड करता हूँ पहले कौन सा जाऊँ, क्योंकि बकिंगम पैलेस भी बहुत पास है और मैं देखते हैं ट्रफाल्गर स्क्वायर अगर पास होता है तो वो वाला चलते हैं। एक तरफ से पूरा आपको पूरा लंदन इस बार मैं घुमाऊँगा। 5 दिन है मेरे पास, यहाँ पे काफ़ी है 5 दिन लंदन घूमने के लिए मेरे ख्याल से। तो मेन मेन अट्रैक्शन तो हम लोग कवर कर ही लेंगे जहाँ तक। Yeah.
चुका है। शाहरुख खान ने बोला था लंदन की बात ही कुछ और है, अब मुझे फील हो रहा है वो चीज़ सच में लंदन की बात ही कुछ और है। गाइस कभी भी आप आओ, आप एक बार ज़िंदगी में कभी एक बार लंदन ज़रूर आना, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे और बहुत ही अमेजिंग है। दुबई से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे अच्छी फीलिंग आ रही, वाइब्स बहुत अच्छी हैं, खासकर यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। सो लोग तो हैं ही यहाँ के खूबसूरत। सो फिलहाल अब मैं आपको अगली लोकेशन पर ले कर चल रहा हूँ, वो है यहाँ का ट्रफाल्गर स्क्वायर। आपको याद होगा रियलजे में आपने देखा था कि अमरीश पुरी साहब ने जो कबूतरों को दाने डाले थे, सो वहीं पे वो शूट हुआ था सीन। अब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पूरा यहाँ का पिकेडली है, पिकेडली स्क्वायर इसको बोलते हैं। सो ये इनकी जो ब्लैक टैक्सीज हैं वो यहाँ पे चल रही हैं, ये देख रहे हैं, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। सो आप कभी भी लेना तो सोच समझ के पूरा फेयर वगैरह पता करके लेना। और एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, ये इनकी बिग बसेज हैं, ये इनकी बसेज हैं यहाँ पे, जो सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। सो कभी भी आप ट्रैवल करो विद इन लंदन, आप इन बसेज से ही करना। इतनी ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है, इतनी ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि अब यूरोप का मेन सीज़न स्टार्ट हो चुका है। सो मई जून जुलाई अगस्त सब इनका पूरा सीज़न चलेगा। सो ये सारी सिटीज़ जितनी भी हैं यूरोप की, अब यहाँ पे गर्मी होने लगी, सो अभी इनका ही सीज़न है। तो चलते हैं हम अपने अगले स्टॉप पे, जो कि अपना होगा ट्रफाल्गर स्क्वायर। मेरे पीछे आप देख रहे हो ट्रफाल्गर स्क्वायर है, लेकिन ये थोड़ा रेनोवेशन वगैरह का इसमें काम चल रहा है। म्यूज़िक बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाउड है और पानी झरने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही, तो हो सकता है सुन ना पा रहे हो। और ये मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये नेल्सन कॉलम है और इसमें चार शेर बने हुए हैं, दो इस तरफ हैं दो उस तरफ। सो यही है जी यहाँ की कहानी। और ये यहाँ पे खूब सारी इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं, जो भी इनके लंदन के होते हैं इवेंट्स, तो सारे यहीं पे होते हैं। अभी करंटली यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बहुत चल रहा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कितने सारे लोग हैं। एक नंबर भाई, क्या जगह है ये, इतनी खूबसूरत जगह मैंने शायद ही अपनी लाइफ में कभी देखी हो। अब जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा कंट्रीज आप एक्सप्लोर करते हैं, सो आपको उससे बेटर चीज़ें दिखती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पिछले मैं करीबन 1.5 साल से ट्रैवल ही कर रहा हूँ, मुझे अभी तक दुबई से अच्छा कुछ भी दिखा नहीं था। अब लंदन काफ़ी हद तक मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूरोप का हार्ट तो है, इसको बरतानिया बोलते हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन है उसकी ये राजधानी यानी लंदन। ये जो पीछे मेरे आप बिग बस वगैरह देख रहे हो, सब यहाँ पे बिग बसेस चलती रहती हैं, जो इनका हॉप ऑन ऑफ ऑफ टूर होता है वो सब यहाँ पे चलता रहता है। और खूब सारे यहाँ पे टूरिस्ट भरे पड़े हैं, मोस्टली आपको यहाँ पे टूरिस्ट ही दिखेंगे और बाकी यहाँ के लोकल आपको बहुत कम दिखने वाले हैं। मैं यहाँ से निकल ही रहा था और मुझे कहीं हिंदी सॉन्ग्स की, जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, वो सुनने की आवाज़ आई। चलते हैं एक बार देखते हैं।